Praise the Lord. आप सबको स्वागत है हमारे Odds of Manna चैनल में। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो कि आप सबको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आशीषित हो रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर महान है और परमेश्वर अद्भुत है। आइए वचन सुनने से पहले हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे फिलिपी 1:21 में पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। ओ निश्चित तौर से प्रियो, हम जिए तो मसीह के लिए, हम कुछ भी करें उस मसीह के लिए, और पौलुस तो कहता है कि मेरे लिए मर जाना भी लाभ है। प्रियो, आइए इस गीत के जरिए परमेश्वर की महिमा करें। भुला बोरे यीशु हाय तोर प्यार के, यीशु हाय तोर प्यार के, कहियो नी भुला बोरे यीशु हाय तोर प्यार के, यीशु हाय तोर प्यार के, चाहे मोर जान चली जा जमाना छूट जा, चाहे मोर जान चली जाए रे, चाहे जमाना छूट जा, कहियो नी भुला बो रे यीशु हाय तोर प्यार के, यीशु हाय तोर प्यार के, कहियो नी भुला बो रे यीशु तोर प्यार के, यीशु हाय तोर प्यार के, बोरे यीशु
आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। शक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं खुदा बाप। इस घड़े समय हम तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। डेफिनेटली प्रभु, आपने उनके उन्हें अभिषेक किया है तेरा वचन का प्रचार करने के लिए। इस घड़े समय जितने लोग वचन सुनते हैं सबके जीवन में माइटी मिरेकल्स होने पाए प्रभु। तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah, Welcome to the Oats of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा है ताकि हम उसके जीवित वचन को सुनने पाएं और उसको समझने पाएं और उसको अपने जीवन में हम लोग लागू करने पाएं। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरे वचनों के साथ में सहभागिता रखना चाहते हैं। हम सब जितने जुड़े हुए प्रभु जी इस चैनल में, प्रभु जी हर एक श्रोतागणों को प्रभु परमेश्वर पिता आप अपने आत्मा के द्वारा से प्रभु जी प्रकाशित कीजिए और इस वचन की गहराई और भेद की बातों को तू प्रकाशित कर। मैं भी अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी, मेरे मुख से होके बोल और प्रभु परमेश्वर पिता कलीसिया को आशीष कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसे स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। सो हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं और आज जिस सीरीज में हम बात करेंगे वो है पैरेबल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत, और पार्ट 24 में हम लोग जा रहे हैं। और जिस थीम में और जिस दृष्टांत में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ग्रोइंग सीड, यानी एक बढ़ता हुआ बीज। एक बीज किस प्रक्रिया में बढ़ता है उसके विषय में हम लोग देखेंगे और इस एक बीज जो जिस प्रक्रिया में बढ़ता है उस प्रक्रिया से प्रभु कुछ बातें करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। आइए उन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे, हालेलुया। हम लोग ऐसे तो बीज के विषय में बहुत सारे दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा है। हम लोग बीज बोने वाले के दृष्टांत को हम लोग जानते हैं जिसमें कि चार अलग अलग भूमि है और बीज बोने वाला निकला और बीज बुना, इसके विषय में हमने देखा है। और इसमें
जमीन, अलग अलग जमीन के विषय में एम्फेसाइज किया गया है, यानी उसके विषय में ज्यादा बातें की गई है। उसके बाद में दूसरा हमने दृष्टांत देखा था जो कि राई के दाने के बराबर जो बीज है उसके विषय में हमने देखा था, और उसके विषय में हम जब पढ़ते हैं उसके उस दृष्टांत को जब देखते हैं तो परमेश्वर का राज किस पैमाने में एक्सपैंड करता है, बढ़ता है, वृद्धि प्राप्त करता है, और परमेश्वर का राज का पावर कैसे है उसके विषय में हम लोग वहां देखे थे। और उसके बाद में हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग देखे थे एक ऐसा बीज, वीड्स के विषय में, जंगली बीज के विषय में देखे थे। अच्छे बीज जो है वो राज्य के संतान है, जंगली बीज है वो दुष्ट के संतान है, इसके विषय में भी देखे थे। तो ये सारे बीज के विषय में यीशु मसीह ने बहुत सारे प्रकार के दृष्टांत कहे हैं, और हर एक का अलग अलग संदर्भ है और अलग अलग मीनिंग को प्रभु हमको बताना चाहे। तो आज जिस दृष्टांत को हम लोग उठाए हैं उसमें भी परमेश्वर कुछ भिन्न बातों को बताना चाहता है। आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 26 से लेके 29 तक, 26-29, आइए हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। हाँ, यहाँ पर भी परमेश्वर के राज्य का उपमा कैसे है उसको बता रहा है, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। उसके बाद, और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। यस, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे। रात को सोए आराम से, बिना चिंता किए, बिना फिक्र किए, और दिन को जागे बोलता है, और रात दिन ऐसे सोए जागे ऐसे करता है। और इसी बीच में क्या होता है, बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। और बीज कब निकल जाता है और बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता है, उसके पीछे में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये यहाँ पर बोला गया है, ओके, वह ना जाने, वो बढ़ता है, और कैसे बढ़ता है, बढ़ने का प्रक्रिया बोल रहा है। पृथ्वी पर से आप फल लाती है, पहले अंकुर, ओके, उसका अंकुर निकलता है, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है, दाना निकल जाना, दाना पकना नहीं होता है, दाना निकलता है फिर पकने का भी एक समय होता है, पक जाता है, तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। अब इसी चीज को अंग्रेजी में जो बढ़ने का प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। सो उसको सिर्फ 28 आयत को मैं देख रहा हूं, ओके, अंग्रेजी इस तरह से लिखा हुआ है, फॉर द अर्थ बियरेथ फॉर्थ फ्रूट ऑफ हरसेल्फ फर्स्ट द ब्लेड लिखा हुआ है। हिंदी में जहां अंकुर लिखा है, अंकुर मतलब जस्ट जो जमीन से निकलता है, हरा सा दिखाई देता है ना, उसको अंकुर बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी में जो ब्लेड लिखा हुआ है, ब्लेड का मतलब होता है पत्ता, ओके, पत्ता। जैसे आप अगर मकई का पेड़ को देखेंगे तो उसका जो पत्ते जो निकले रहते हैं, ओके, वो ब्लेड उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद बोलता है फर्स्ट द ब्लेड, देन द ईयर। ईयर अंग्रेजी में तो कान बोलेंगे, लेकिन एक मकई के जो पेड़ है उसमें जो ईयर जो होता है, या तो क्या को ईयर बोलते हैं, उस पेड़ में जो कान अगर बोलेंगे तो क्या को कान बोलेंगे। वो मकई जो भुट्टा जो होता है उसको एक परत कवर करके रखता है, ग्रीन वाला कवर, जिसको हम लोग निकालते हैं उसके बाद में हमको दाना दिखाई देता है। जो कवर जो रहता है ना उसको बोलते हैं ईयर उसमें, ओके, उसके बाद में उसके अंदर में दाना होता है। तो इस प्रक्रिया में बढ़ता है बोल के अंग्रेजी में लिखा हुआ है। एनीवे, कोई बात नहीं, लेकिन एक बढ़ने का प्रक्रिया है। हम लोग चलिए हिंदी में जो संदर्भ है हम उसको उठाते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि हर एक दृष्टांत जो यीशु मसीह कहा है वो बहुत सारा आयाम में है। तो जिस आयाम में मुझे समझ में आया, जिसको मैं इंस्टेंटली जब पढ़ा तो मेरे दिलो दिमाग में पवित्र आत्मा ने जिन बातों को, भावों को डाला, उस बात को आप लोगों के बीच में मैं लाना चाहता हूं। ऐसे तो इस दृष्टांत को अगर बारीकी से स्टडी किया जाए तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में भी इसमें प्रचार किया जा सकता है, परमेश्वर के राज के विषय में, ओके, है। लेकिन उस संदर्भ को मैं नहीं ले रहा हूं। एक रोजमर्रा के जीवन में, एक प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इस दृष्टांत को कैसे उठाएंगे, यह हमारे लिए कैसे लाभदायक है, क्या सीखने की बात है, उसको मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। हालेलुया। सो ये जो दृष्टांत है ये परमेश्वर के राज्य में काम कैसे होता है, कार्यकलाप कैसे है, ऑपरेट कैसे होता है, चीज फंक्शन कैसे करता है, यानी मैं बताना चाहता हूं
कि परमेश्वर के राज में जब हम लोग होते हैं तो उसके अंदर में बहुत प्रकार के आशीषों का फल काटते हैं। शांति, ये भी आशीष है, ये भी इसका भी शांति का भी कटनी काटते हैं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग, ये भी एक आशीष है, इसका भी कटनी काटते हैं। ओके, ए गुड रिलेशनशिप, ये भी एक प्रकार का आशीष है, इसका भी फसल काटते हैं। तो परमेश्वर के राज में हम लोग तरह तरह के फसल काटते हैं। हालेलुया। सो तरह तरह के जो फसल काटते हैं उसके लिए अलग फसल के लिए अलग अलग बीज होते हैं। उसी तरह से तरह तरह का जो फसल काटेंगे तो उसके लिए अलग अलग बीज हैं, या तो हम बोल सकते हैं अलग अलग स्वर्गिक नियम है, हेवनली प्रिंसिपल्स हैं। ओके, उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। और वो हेवनली प्रिंसिपल, स्वर्गीय प्रिंसिपल, जो अधिनियम है, जो आत्मिक नियम है, स्वर्गीय आत्मिक नियम जो है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कुंजी। हालेलुया, उसको हम लोग बोल सकते हैं कुंजी यानी चाबी। तो ये चाबी वो नियम है और वो नियम ही एक बीज के समान है। हालेलुया, इस ये नियम को जब हम लागू करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं यानी बीज लगाते हैं, तो उसका फसल जो आता है वो एक प्रोसेस में होकर आता है। इसी बात को बताना चाह रहा है। प्रेज गॉड। तो हम लोग देखेंगे पहले ये मत्ती उसका 16 का 19 यहां पर क्या लिखता है। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कहने का तात्पर्य यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा। एक कुंजी नहीं, ढेर सारी चाबियां हैं। चाबियां यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मैं इस जगह में उसको एक बीज के समान में ले रहा हूं। उसको जब बीज को लगाते हैं, एक नियम को परमेश्वर हमको जो दिया है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको छींटते हैं, उसको 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 लगाते हैं, तो उसका फल उसी तरह से, या तो पालन करते हैं तो उसका फल उसी तरह से निकलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम बोल सकते हैं कि एक नियम जो है, एक प्रिंसिपल जो है, वो एक बीज के समान है। प्रेज गॉड। और बीज को हमेशा बोया जाता है, बीज को बोया जाता है। तो आइए मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसका 11 में क्या लिखा हुआ है। इसको एक्चुअली इसका कॉन्टेक्स्ट जो उठाया है ये अलग है। पौलुस असल में कुरिन्थी मंडली से कह रहा था कि अगर हम जब आत्मिक बातों को आप लोगों को सिखाते हैं, उसके फलस्वरूप अगर आप लोगों से हम लोग भौतिक आशीष को प्राप्त करते हैं, यानी मैं प्रचार किया, सुसमाचार दिया, आत्मिक नियम को बताए, भेद की बातों को आप लोगों को टीच किए, सिखाए, और इसके बदले में आपने ऑफरिंग के स्वरूप, या तो बीज के स्वरूप, या तो आपने एक ब्लेसिंग के स्वरूप हमको, आपने अपने धन में से हमको ब्लेस करते हैं, ऑनर करते हैं, तो इससे क्या बड़ी बात है, बोलता है। लेकिन इसमें एक नियम है, उसको मैं आपको निकाल के बताना चाहता हूं। पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसका 11 वहां पर यह लिखा हुआ है, अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, सब बोल सकते हैं आत्मिक वस्तुएं बोई, आप देख रहे हैं आत्मिक चीज भी वस्तु के रूप में लिखा हुआ है। तो पौलुस कह रहा है जब मैं आत्मिक वस्तुएं बोई तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारे शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे। यानी एक नियम जो कि बीज के समान है, जब उसको हम लोग बुनते हैं, अपने ही जीवन में बुनते हैं, लागू करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी व्यक्ति जब हम लोग लागू करते हैं हमारे जीवन में आत्मिक बातों को, उस आत्मिक प्रिंसिपल को, तो हम लोग उसका जरूर उसका फसल को काटेंगे। इस संदर्भ को यहां से मैं निकाल रहा हूं आप लोगों के लिए, प्रेज गॉड। लेकिन जब कलीसिया से बात कर रहा है तो एक कॉन्टेक्स्ट, एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसके अंदर में एक प्रिंसिपल है, छुपा हुआ है, उसको आप लोगों के बीच में मैंने रखा। अब ध्यान देंगे हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि हर एक बीज में, हर एक मंजी में एक प्राकृतिक पावर होता है, एक नेचुरल पावर होता है। ओके, ये सब पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, मैं बहुत बारीक सब बात सबको बता रहा हूं। हर एक बीज में प्राकृतिक पावर होता है, नेचुरल पावर होता है। उसी तरीके से हर एक परमेश्वर के आत्मिक नियम में हेवनली पावर होता है। प्रेज गॉड। हर एक परमेश्वर के आत्मिक नियम में स्वर्गिक पावर होता है, वो कंटेन करता है, वो नियम स्वर्गिक पावर से लोडेड रहता है। जैसे कि एक बीज में प्राकृतिक नेचुरल पावर उसके अंदर में रहता है, उसी तरह से एक आत्मिक बीज या तो परमेश्वर के नियम जो है वो स्वर्गीय पावर से लोडेड रहता है। प्रेज गॉड, आमेन। सो जैसे कि एक बीज को जब बुनते हैं
तो उसको एक वातावरण दिया जाता है, एक वातावरण दिया जाता है, उस वातावरण का स्पर्श में आता है जब बीज, तब क्या होता है वो बीज अंकुर होता है, फिर उसके बाद में बालें आती है, बाल के अंदर में उसका फसल रहता है। प्रेज़ गॉड। सो जैसे कि एक बीज को वातावरण दिया जाता है, कैसा वातावरण? एक बीज को बढ़ने के लिए उसको सनलाइट चाहिए, सूर्य का किरण चाहिए, उसके बाद में उसको बढ़ने के लिए पानी चाहिए, उसको बढ़ने के लिए हवा भी चाहिए। तो ये वातावरण के स्पर्श में जब आता है तो वो अंकुर होता है, फिर बाले आती, फिर हम लोग फसल देखते हैं। उसी तरह से परमेश्वर का आत्मिक नियम को भी एक वातावरण चाहिए, या तो कुछ चीज एलिमेंट्स चाहिए उसके सपोर्ट के लिए। ओके? जब तक एक बीज लगाया गया है, सूरज की किरणें ना पड़े उसमें, गर्मी ना पड़े, पानी ना पड़े, हवा का कांटेक्ट में ना आए, तो वो बढ़ने ही बढ़ेगा नहीं, वो ये सब चाहिए। उसी तरह से परमेश्वर जो हम लोग को नियम दिया है बीज के समान, या तो बीज नियम जो बीज है, ओके, उसको भी एक एनवायरनमेंट चाहिए। तो कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, क्या चाहिए उस बीज को, उस नियम को, आत्मिक नियम को जब उठाते हैं तो क्या चाहिए? तीन इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जो मैं आप लोगों को बीच में बताने को जा रहा है। फेथ, विश्वास, आशा, होप, पेशेंस यानी धीरज। तो क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, आशा चाहिए और धीरज चाहिए हमारे जीवन में। जब एक नियम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो हम लोग ये तीन चीज हम लोग को चाहिए। फिर से इस दृष्टांत को मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, मरकुस 4 उसका 26 से 29। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे। आराम से रात को सो जाता है, उस बीज को जबरदस्ती उगाने की कोशिश नहीं किया जाता है। ओके? उसको कुछ जैक नहीं लगाया जाता है उसमें। ओके? और वह बीज ऐसा उगे और बढ़े वह ना जाने। प्रतिदिन देखता है, एक ही दिन में अंकुर नहीं होता है, लेकिन जैसे 4-5 दिन होता है धीरे से अंकुर निकलता है। फिर अंकुर के बाद जो बालें आती है एक बार से नहीं आती, फिर उसमें से स्टेम निकलता है, फिर उसके बाद में बाल निकलते हैं, फिर बाल काफी दिन तक रहता है कुछ कुछ पेड़ में, और उसके बाद में उसके अंदर में बीज मंजी आ जाता है। प्रेज़ गॉड। तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया, कब कब परिवर्तन हो जाता है, कैसे आ जाता है, पता नहीं चलता है। उसी तरह से परमेश्वर का आत्मिक नियम जो है, जो बीज के समान है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन, तो ऐसा ही प्रक्रिया में वो फल लाएगा, यानी कहने का मतलब एक प्रोसेस में जाएगा। और इसको एक एनवायरमेंट देने की आवश्यकता है, और या तो सपोर्ट देने की आवश्यकता है, एनवायरमेंट या तो वातावरण, वो है हमारे ओर से विश्वास होना चाहिए उस नियम के ऊपर। ओके? हमारे ओर से एक आशा रहना चाहिए और हमारे अंदर में एक धीरज रहना चाहिए, ताकि वो फसल पूरी रीति से वो नियम लेकर आए। आइए पहला हम लोग देखेंगे विश्वास। ये विश्वास जो नियम है, या तो विश्वास जो वातावरण हमको देना पड़ेगा, जो भी, जब कभी भी, मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी परमेश्वर का नियम को उठाइए, उसको इस्तेमाल करते हैं, बिना विश्वास से इस्तेमाल करते हैं, वो काम में नहीं आएगा। इसीलिए हर एक नियम को जो उठाते हैं, आपको फेथ को अप्लाई करना पड़ेगा, एक विश्वास को, जो आपका विश्वास को उसके साथ में मिक्स करना पड़ेगा उस नियम के साथ में, तब जाके उसका आगे का प्रक्रिया में जाएगा और वो फलदायी होने पाएगा। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानियों का पुस्तक उसका 11:6 में पढ़ रहा हूं आपके लिए, ये सब वचन, इसको वचन को जानते हैं तो परमेश्वर के राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसको? परमेश्वर को। विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सो परमेश्वर के राज के अंदर में जो विश्वास का जो है ना, ये बिना विश्वास से परमेश्वर को बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब देखिए उत्पत्ति का एक घटना को मैं बताना चाहता हूं, 26 उसका 12 से 13, यहां पर क्या होता है आइए हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 26:12-13, इसहाक ने बीज बुना। हम बीज के विषय में देख रहे हैं, तो बीज बुना तो बिना विश्वास से बुना के, विश्वास से बुना है, और जब विश्वास से बुना था और बीज बुने के साथ में जरूर आशा रखे, धीरज धरा है, उसके बाद में उसका फल आता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे इसको, उत्पत्ति 26:12-13। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। हाँ, किस देश में जोता बोया, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है।
अगर इसका ठीक ऊपर में आप पढ़ेंगे, ऊपर से कुछ आयत के ऊपर में जाएंगे, या तो आप 26 का 1 से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जिस देश में वो रह रहा था उस देश में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था। अकाल के टाइम में लोग जो भी बचा रहता है उसको बचा के रखेंगे और उसको पहला खाने के विषय में बचाएंगे, खाने के विषय में सोचेंगे। लेकिन इसहाक ऑपोजिट में काम करता है। क्यों? क्योंकि इसहाक एक अच्छा विश्वासी था। अकाल के टाइम में उसने विश्वास के साथ में बीज को बुना। टफ सिचुएशन था, मरने का खतरा था, भुखमरी का खतरा था, लेकिन इसहाक बुना, विश्वास से बुना। ओके, और क्या बोलता है, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। अब देखिए, अकाल के टाइम में विश्वास, ओके, इसको इस्तेमाल करता है उसने और बीज बुनता है। उसी तरह से कोई भी बीज आप उठाते हैं, ओके, क्यों हम लोगों को परमेश्वर प्रिंसिपल दिया है मालूम? स्थिति परिस्थिति दुनिया में गंभीर रहेंगी, तो प्रभु ने कहा है हर एक गंभीर स्थिति परिस्थिति में, हर एक अकाल का स्थिति परिस्थिति में, अलग अलग टाइप का अकाल है, ओके, हर एक क्राइसिस का टाइम में, हर एक संकट के टाइम के लिए प्रभु ने एक एक ऐसे ऐसे नियम और कुंजी दिया है। जब उस नियम को, उस कुंजी को, यानी उस बीज को जब हम विश्वास के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट हमारे जीवन में देखने पाएंगे और हम लोग एक अच्छा फसल को काटने पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। फिर इब्रानी 4 उसका 1 से 2 पढ़ेंगे क्या लिखता है। इब्रानी 4 1 से 2, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हाँ। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, ये वाला जो संदर्भ है कि एक विश्राम के विषय में यीशु मसीह बोल रहा है और उस विश्राम के समय परमेश्वर ने पुराने नियम में इसराइलियों को कहा था और प्रभु कह रहा है कि वो विश्वास, वो विश्राम जो है ना अब भी वो काया में मिलेगा। मैं पढ़ रहा हूं फिर से आपके लिए, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। ओके, हम लोग एक विश्राम में प्रवेश करने को जा रहे हैं, वो अब तक है बोल रहा है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्यों वंचित रह जाए? क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, यानी हम लोगों को जो सुसमाचार सुनाया गया उनको भी सुसमाचार सुनाया गया था। पुराने नियम में इसराइलियों को सुसमाचार सुनाया गया था बोल रहा है। वो एक अलग बात है कि किस प्रकार से सुनाया गया था, कभी हम लोग देखेंगे कोई एपिसोड में कि उनको कैसे सुसमाचार सुनाया गया था। फिर बोलता है क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। सुने हुए वचन से उनको कुछ लाभ नहीं हुआ। ओके, क्यों लाभ नहीं हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ ना बैठा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है दे डिड नॉट मिक्स फेथ विद इट, यानी जो बात को सुने, जो वचन को सुने, जो सुसमाचार को सुने, जो बीज को लिए, ओके, मिला उनको बीज, उन लोग उसमें विश्वास को मिक्स नहीं किए, विश्वास से मिक्स नहीं किए और इसीलिए क्या हो गया, वो लोग नाश हो गए। तो आज परमेश्वर जो वचन हमको देता है बीज के रूप में देता है, हर एक जो नियम बीज के रूप में आता है उसको उसमें आपको और मुझे मिक्स करना पड़ेगा, एक वातावरण देना पड़ेगा। जैसे एक बीज के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसी तरह से एक परमेश्वर के नियम के लिए पहला क्या चीज चाहिए, उसमें विश्वास को आपको मिक्स करना पड़ेगा। आप सिर्फ जानते हैं कि ये नियम है, ये कुंजी है, लेकिन जब तक उस कुंजी को विश्वास से नहीं उठाते, उसको विश्वास के कॉन्टैक्ट में नहीं लाते हैं, या तो आपके विश्वास के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, तो वो फलदायी नहीं होने पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर के राज में जो विश्वास है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विश्वास के विषय में और एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। ओके, विश्वास जो है जैसे कि एक लॉ में, एक व्यवस्था में पावर होता है। ओके, एक पुलिसमैन को किसी को अरेस्ट करना होता है तो कौन सा पावर इस्तेमाल करता है? एक लॉ को लेता है, एक कानून के तहत आता है, वो कानून को उठाता है और कानून के तहत में उसको अरेस्ट करता है। इसका मतलब कानून में पावर है, लॉ में पावर है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से मैं बताना चाहता हूं, विश्वास एक लॉ है,
विश्वास परमेश्वर के राज्य में एक व्यवस्था है। अंग्रेजी में व्यवस्था बोलते हैं, हिंदी में व्यवस्था कहते हैं और अंग्रेजी में लॉ बोलते हैं। प्रेज गॉड। आइए हम लोग देखते हैं इसको कहां पर कहा गया है कि विश्वास एक व्यवस्था है या तो लॉ है। प्रेज गॉड। जब लॉ होता है बहुत पावरफुल होता है, इसका मतलब विश्वास एक बहुत पावरफुल चीज है। इस पावरफुल चीज जो है उसके कॉन्टैक्ट में जब एक नियम आता है, परमेश्वर का बीज आता है उस कॉन्टैक्ट में, वो फलदायी होने पाएगा। प्रेज गॉड। पढ़ेंगे हम लोग रोमियो के पुस्तक उसका 3:26-28 यहाँ पर क्या लिखता है पढ़ेंगे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। फिर तो घमंड करना कहाँ रहा। हाँ। उसकी तो जगह ही नहीं। हाँ। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कर्मों की व्यवस्था से? एक मिनट, ये बोलते कौन सा लॉ, अंग्रेजी में लिखा बाय विच लॉ, कौन सा लॉ से, कौन सा कानून से, कौन सा व्यवस्था से हम धर्मी ठहराए गए? क्या कर्मों की व्यवस्था से? तो कर्म भी एक व्यवस्था है परमेश्वर के राज्य में, ये तो परमेश्वर के नजर में बोलेंगे ना, कर्मों की व्यवस्था से नहीं बोलता है। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? नहीं वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। हाँ, क्या बोलता है? नहीं वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण हम लोग धर्मी कैसे ठहराए गए हैं? एक लॉ में पावर रहता है, तो विश्वास एक लॉ का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग धर्मी ठहरते हैं। प्रेज गॉड। तो आप देख रहे हैं ओके, हम लोग विश्वास का कॉन्टैक्ट में कुछ चीज आता है, सुसमाचार सुनते हैं ओके, जो हमको सुनाया जाता है यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार जब सुनते हैं फेथ के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, रिजल्ट जो फसल जो काटते हैं वो धार्मिकता का फसल को काटते हैं। प्रेज गॉड। उसी तरह से मेरे प्यारे बहन, हर एक जो नियम है परमेश्वर के राज्य में जब विश्वास के कॉन्टैक्ट में आता है वो फलदायी होगा। सिर्फ विश्वास का कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, और भी दो चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो है होप, आशा और धीरज, उसको भी हम लोग देखेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। नहीं वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं जो बात को मैं बोल रहा हूँ? कुछ कुछ बारीक बारीक चीज बता रहे हैं, अगर कोई अच्छा बाइबल स्टडी करता है तो आप इसको अच्छी तरह से ग्रास्प करने पाएंगे, रखने पाएंगे, और जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं इन सब सीक्रेट्स को जो बता रहा हूँ, तो आप एक पावरफुल फसल को काटने पाएंगे, एक बड़ा अच्छा फसल को, हार्वेस्ट को काटने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सेकंड चीज में मैंने कहा था कि कौन सा वातावरण में बीज को लाने की आवश्यकता है, नियम को, परमेश्वर का आत्मिक नियम को, एक फेथ का कॉन्टैक्ट में, अभी दूसरा मैं बता रहा हूं आप लोगों के, एक आशा का कॉन्टैक्ट में। ये आशा कहाँ होता है? वो हमारे हृदय में होता है आशा। आइए हम लोग आशा के विषय में कुछ जाने, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला कुरिन्थियों 9:10-11 पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखता है? यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दामने वाला भागी होने की आशा से दामनी करे। अभी देखिए यहाँ पर भी ये लेने देने के विषय में बताया हुआ है, लेकिन एक नियम इसके अंदर में छुपा हुआ है, उसको मैं बताना चाहता हूँ ओके। क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते, तो कोई व्यक्ति जो होता है जब जोतता है तो क्या करता है? जोतेगा, फिर बीज लगाएगा, फिर फसल उसमें से निकलना चाहिए। तो जब जोतने का टाइम में वो आशा से जोतता है, तो बीज बोने का टाइम में भी आशा से बीज बोनेगा वो। हालेलुया। तो उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला ओके, जब फसल निकल जाता है और तो उसके बैल को लगा के दावते हैं, तो उसके लिए भी बोलता है दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। प्रेज गॉड, आमीन। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारे शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? तो आप देख रहे हैं कि जोतने का टाइम में आशा लगाना जरूरी है, बोने का टाइम में भी आशा लगाना जरूरी है। प्रेज गॉड। जब आशा लगाए रहेंगे तो उसका फसल हम लोग काटने पाएंगे बोल रहे हैं। आइए हम लोग देखेंगे कि आशा कितना बड़ा एक एलिमेंट है आत्मिक जीवन में एक अच्छा फसल को काटने के लिए, और एक व्यक्ति का उदाहरण उठाएंगे, वो है अब्राहम का आशा। अब्राहम कैसे आशा रखा, बहुत बारीक से इसको देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे, बहुत सारा बात आपको सीखने को मिलेगा। रोमियो का पुस्तक उसका 4:16-21 रोमियो 4:16-21 यहाँ पर क्या लिखता है?
इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। इसी कारण प्रतिज्ञा जो है वो विश्वास पर आधारित है। अगर कुछ प्रॉमिस हमको किया जाता है तो उस प्रॉमिस के ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए, ये बात बोल रहा है। आगे पढ़ेंगे कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। वही तो हमारा सबका पिता है। विश्वासी को पिता कौन है? अब्राहम। फिर आगे, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, हाँ फिर, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। हाँ, ये परमेश्वर पर विश्वास किया बोल रहा है। अभी ध्यान से सुनिए क्या लिखता हुआ है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। एक मिनट देखिए, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा में भी आशा कितना इंपॉर्टेंट चीज है। निराशाजनक स्थिति परिस्थिति रहे, नेगेटिव सिचुएशन रहे, निराशा में भी आशा रख सकता है एक व्यक्ति। आप सवाल पैदा होता है कि निराशा में आशा कैसे रख सकता है। नीचे कुछ आयत को मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि निराशा में भी आशा कैसे रखेंगे। हालेलुया। आइए देखिए, ये निराशा में भी कैसे आशा रखा, पढ़ेंगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। उस वचन के अनुसार, इसका मतलब आशा जो निराशा में भी आशा क्यों रखा, क्योंकि इससे पहले एक बीज मिला है, वचन मिला है, तेरा वंश ऐसा होगा बोल के जो प्रभु बोल दिया है वो उसके हृदय में बैठ गया है। ओके, और उसके अंदर में एक कन्विक्शन, किसके अंदर? अब्राहम के अंदर में एक कॉन्फिडेंस है उसके अंदर में। स्थिति है निराशाजनक दिखाई दे रहा है, 100 साल का उम्र होने जा रहा है, संतान नहीं हुआ है, सारा बूढ़ी हो चुकी है, ऐसे स्थिति परिस्थिति में निराशा में भी क्या बोलता है वो आशा रखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर क्या बोलता है आगे, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, हाँ, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, हाँ, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। एक मिनट, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह बिल्कुल नहीं किया। प्रेज गॉड। ओके, अब ये जो आशा उसके अंदर में आया, आशा एक्चुअली क्या है? आशा इमेजिनेशन है, एक कल्पना है बोल सकते हैं, एक पिक्चर है जो दिमाग में हम लोग का आता है, प्राण में हमारा आता है, हम लोग कल्पना करते हैं। प्रेज गॉड। इसको नीचे मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, पढ़ेंगे। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। प्रेज गॉड। ओके, निश्चय जाना कि जिस बात को प्रभु ने लाया है, कहा है, उसको पूरा करने के लिए पूरा पूरा सामर्थ्य है। इस बात पर उसने विश्वास किया है। हालेलुया। और निराशा में भी उसने आशा रखा। तो आशा है क्या? क्या को हम आशा बोलेंगे? आइए हम लोग देखेंगे। हम लोग रोमियो के पुस्तक उसका 8:24-25 इसमें पढ़ेंगे। हम लोग डिफाइन समझने की कोशिश करेंगे कि आशा एक्चुअली है क्या, मैं कैसे जानूं कि मेरे में आशा है नहीं है, कैसे आशा को ट्रिगर करूं मैं, इन तमाम बातों को समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पढ़ेंगे रोमी उसका 8:24-25 क्या लिखता है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहां रही। आशा के साथ में एक क्लियर कट पॉइंट बताया गया है, आप और मैं जो बातें दिखाई देती है आंखों से, जो बातें दिखाई देती है उसका कभी भी आशा मत कीजिएगा, क्योंकि आशा जो है दिखाई देने के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। आशा जो है पॉइंट वो नहीं दिखाई दे रहा है, अब तक प्रकट नहीं हुआ है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, क्योंकि जिस वस्तु को कोई दिखा देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। जो वस्तु को आप देख रहे हैं उसकी आशा क्या करेंगे, वरन आशा किस चीज के साथ में जुड़ा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, कौन? इन आंखों से नहीं देखते, मतलब इन आंखों से, भौतिक आंखों से नहीं देखते, उसका आप आशा करेंगे, लेकिन फिर भी एक आंख से दिखाई देता है, ठीक है, विश्वास की आंख से दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है?
पिक्चर आते हैं, कल्पना, प्रेज गॉड। और अब्राहम को जो परमेश्वर कहता है कि निराशा में भी आशा रख कर, तो अब्राहम क्या पिक्चर देखा, उसका इमेजिनेशन में क्या था, उसके कल्पनाओं में क्या था? आपको मालूम है ये कल्पना में डालने के लिए ही परमेश्वर ने अब्राहम को, एक दिन तंबू में था तो बोलता है तंबू से बाहर निकल और तारों को दिखाता है और कहता है तारों को देख और गिन। तो अब्राहम 1, 2, 3, 4 ऐसे तारों को गिनना शुरू किया होगा और विजुलाइज किया, देखा एक एक तारे, एक एक बच्चों के समान उसका चेहरा को उसमें देख रहा है वो। प्रेज गॉड। सो क्या हो रहा है, जब देख रहा है ना, फिजिकल चीज को देखा वो, लेकिन फिजिकल बच्चा नहीं आया था, फिजिकल चीज को दिखाया और कल्पना को ट्रिगर किया। तो आज अगर आप आशा करना चाहते हैं कोई चीज का, उस चीज के लिए प्रार्थना किए हैं, तो अपने कल्पनाओं में उन बात को लाना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स में उस बात को लाना पड़ेगा। प्रेज गॉड। इसी को बोलते हैं आशा। प्रेज गॉड। अभी इन आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कल्पना की आंखों से दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं आशा। आमीन, आमीन। मैं इब्रानी 11 उसका 1 को पढ़ रहा हूं आपके लिए। विश्वास और आशा को एक पास पास में रखा गया है, तो समझने की कोशिश करेंगे इसको। इब्रानी 11 उसका 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो मैंने इसको हाईलाइट किया है। विश्वास को क्या बोलेंगे, निश्चय यानी कॉन्फिडेंस, प्रमाण मतलब सबूत। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास क्या है, निश्चय। आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, सो कन्विक्शन आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, हिया हो रहा है, ओके, सो दैट इज वो क्या है, वो फेथ है। आशा की हुई वस्तु, तो इसी में आशा वर्ड आ रहा है। आशा क्या है, आशा है कल्पना। इस वचन में समझिए, विश्वास क्या है, अंदर में जो हिया हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ओके, ये है विश्वास। और आशा क्या है, इसी के साथ में कल्पना एक रहता है, ओके, पिक्चर रहता है, ये है आशा। प्रेज गॉड। मैं इस छोटे पैमाने में आपको इसको समझाने की कोशिश किया हूं, आमीन। और ये जो आशा जो है, ये आशा बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे आत्मिक जीवन में। इब्रानी उसका 6:19 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, ओके। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। इसमें बहुत सारा चीज बता सकते हैं, लेकिन एक खंड को मैं निकाल के उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एंड दैट होप इज द एंकर ऑफ आवर सोल। यहां पर लिखा, वह आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है। क्यों आशा को प्राण का लंगर कहा गया? प्राण मतलब मन, मन में जहां पर हम लोग कल्पना करते हैं, ओके, उसका लंगर कहा गया। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि लंगर क्या होता है। मैं समझा रहा हूं लंगर क्या होता है। लंगर, आप पानी जहाज जो समंदर में जब चलती है, तो एक लोहा का इस तरह से क्या बोलेंगे, हल के समान दिखाई देगा, लोहा का, एक हेवी लोहा का मेटल रहता है, चोखा रहता है उसका आगे तरफ एक साइड में, ओके, इसको चेन में बंधा हुआ रहता है और चेन में रोल करके इसको रखा हुआ रहता है जहाज। क्या होता है कि जब जहाज आगे बढ़ती है और समुद्री तूफान आ जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो इधर उधर ना हिले और ना उल्टे बोलकर समंदर में जब बहुत ज्यादा लहर आ जाता है, या तो तूफानी लहर आ जाता है, तो तूफानी लहरें आ जाती है, या तो तूफान आ जाता है, तो उस समय क्या करते हैं, जहाज के इस लंगर को चेन के द्वारा से एक ऐसा पॉइंट में नीचे जमीन में, वहां पर अगर जमीन में लंगर लगाने का जगह पॉइंट रहता है, तो उसको नीचे डाल देते हैं और जमीन में जाके धस जाता है नीचे, और धस जाता है तो जमीन के साथ में उस जहाज को खींच के रखता है। ये लंगर जमीन में धस जाता है और जहाज को हिलने नहीं देता है और उसको खींच कर रखता है ताकि जहाज उलट ना जाए। तो लंगर कई एक चीज के लिए जहाज में काम आता है। एक तो जहाज जब आगे बढ़ रहा है, ओके, जब आगे बढ़ रहा है और सामने से या तो तूफान आ रहा है, तो जहाज को पीछे भी ले सकता है। तो इतना आगे बढ़ा हुआ जहाज पीछे जाएगा तो नुकसान है, तो इस जगह में लगा देते उस लंगर ताकि पीछे ना हटे। जब आंधी तूफान शांत हो जाएगा फिर वहां से फिर आगे बढ़ेगा। हमारे जीवन में उसी तरह से आशा
एक लंगर का काम करता है। जब हमारे अंदर में आशा बंधा हुआ रहता है, वो हमारे जीवन में हमको पीछे नहीं धकेलता है, लेकिन हमको आगे बढ़ने के लिए, हमको एक जगह में स्टडी, हमको उस जगह में पुख्ता रूप से खड़े होने के लिए हमको रखता है, ताकि आंधी तूफान अगर रुक जाता है हमारे जीवन में तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। तो आशा ऐसे काम करता है। ओके, कई बार क्या होता है कि समंदर के कुछ कुछ तट में बड़े बड़े चट्टान होते हैं, ओके, और लंगर अगर ना लगाया जाए तो जहाज इतना टकराएगा उन पत्थरों के साथ में तो जहाज को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए लंगर लगाया जाता है। इसी तरह से हमारे जीवन में जब आशा रहती है तो हमको परमेश्वर उस आशा के द्वारा से नुकसान से बचाया जाता है, हमारा आत्मिक जीवन ऐसा ना हो जाए जहां तहां से टूट फूट जाए। तो ये आशा जो है हमारे प्राण का लंगर है, बोल रहा है हमारे प्राण में, मतलब जहां पर हम लोग कल्पना करते हैं, जहां पर हम लोग राइट थिंकिंग। देखिए प्राण का बहुत सारा काम है हमारे जीवन में, हम जहां प्राण यानी मन, मन में हमको ओके, प्राण में मन भी है और इच्छा भी। अगर आशा रहेगा ना तो ये दो चीज प्रोटेक्टेड रहेगा, हम सही इच्छा कर सकते हैं। हमारे जीवन में आशा है तो हम लोग राइट डिसीजन ले सकते हैं, मन में लेते हैं हम लोग राइट एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे प्राण हम लोग का हमारे अंदर में आशा है तो। लेकिन एक व्यक्ति जब निराश हो जाता है तो रॉन्ग डिसीजंस ले सकता है, एक व्यक्ति पूरा निराश हो जाता है ना, तो क्या कर सकता है, उसके अंदर में इच्छा शक्ति भी मर जाएगी क्योंकि आशा ही नहीं। तो ये आशा जो है हमारे प्राण का लंगर है, बोलता है प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया आमेन। मैं सोच समझ रहा हूं कि आप बहुत सारे बातों को समझने पा रहे हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो के पुस्तक उसका 15 उसका 13 आयत क्या लिखता है, रोमियो का पुस्तक उसका 15 उसका 13 आयत। परमेश्वर जो आशा का दाता है। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर कोई निराश है तो एक तो परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए, प्रभु तू आशा का दाता है, मेरे हृदय को आशा से भर दे। उसके साथ में क्या करना पड़ेगा, क्या चीज में आप आशा करेंगे, जब आशा से भर दे बोलेंगे ना तो परमेश्वर का आत्मा ना क्या करेगा, आपको एक वचन को दिखाएगा, वचन को लेकर आएगा। आशा किस पर करेंगे, एक वचन में ऊपर में करेंगे, वचन को ही सामने लाएगा प्रभु, और आपको ना उस वचन के द्वारा से, क्योंकि वचन में पावर है, हालेलुया, वो वचन के द्वारा से आपके अंदर में आशा जागेगी। तो रियल ट्रुथ जो है, रियल आशा जो है परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से, देखिए क्या लिखता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रेज गॉड। सो हमारा आशा को बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है, पवित्र आत्मा। प्रतिदिन पवित्र आत्मा से कही कि मेरे अंदर में एक तगड़ा और मजबूत आशा को डेवलप होने के लिए मदद कीजिए, पवित्र आत्मा को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थर्ड एनवायरनमेंट, मैं बोल रहा हूं बीज, बीज के लिए वातावरण चाहिए, जैसे कि सूरज का किरण, पानी, आबोहवा, उसी तरह से जो नियम है परमेश्वर का बीज के समान है, उसको फेथ का कॉन्टैक्ट चाहिए, फिर आशा चाहिए, और लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं धीरज। एक्चुअली में यह दृष्टांत धीरज के विषय में ज्यादा बोल रहा है, यानी अंकुर धीरे से निकलेगा, फिर कब जो उसके बाले आएंगे, फिर बाल के बाद कब जो उसमें फल लगेंगे, दाने लगेंगे, तो इसके लिए धीरज की आवश्यकता है। तो धीरज के साथ में ये दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, एनवायरमेंट, इसीलिए मैंने दोनों बातों को आपको बताया, विश्वास और आशा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है धीरज। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर के राज्य में कार्यकलाप कैसे है, ओके, कार्यकलाप ऐसे है कि जैसे बीज को बुनते हैं, लगाते हैं, तो रात दिन वो व्यक्ति जो लगा है वो सोए, ओके, लेकिन अच्छा कैसे कैसे धीरे से, एक एक प्रक्रिया से, एक प्रोसेस से, है ना, एक ही बार अंकुर होके दाना नहीं निकल जाएगा। तो कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमने आत्मिक नियम को लगाया, इस बीज को लगाया, कल रिजल्ट दिखाई देना चाहिए, धीरज नहीं धरते, विश्वास तो लगाए लेकिन उतावलीपन है, आशा तो रखे उतावलीपन है, लेकिन विश्वास और आशा में केवल काम नहीं होगा, कुछ कुछ ऐसे नियम है जिसको लगाएंगे हम लोग, ओके, बीज के रूप में, तो वो एक प्रक्रिया के बाद में, एक प्रोसेस के बाद में अब फसल को काटेंगे, तो उसको आपको इंतजार करना पड़ेगा। सो हम लोग देखेंगे पेशेंस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो धीरज है, तो धीरज को सिंपल भाषा में आपको समझाने चाह रहा हूं। पास्टर जी क्या है धीरज, मतलब कैसे समझूं, धीरज मतलब पेशेंस, वो तो इंग्लिश वर्जन हो गया, पेशेंस मतलब धीरज,
तो क्या समझें? धीरज मतलब वेटिंग, इंतजार करना. ओके, सिंपल भाषा में वेटिंग पीरियड इज रिलेटेड टू पेशेंस. इंतजार करना किसी चीज के लिए, इंतजार करना ही धीरज का एक अलग रूप है. प्रेज गॉड. आइए जो रोमी का पुस्तक पढ़े उसी में 8:25 में क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे. रोमी हम लोग 24 भी पढ़े थे, रोमी 8:25 को पढ़ेंगे. साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर. परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं, यही दी उसकी आशा. अभी आशा के विषय में सुने, उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी है. साफ साफ लिखा हुआ, पूरा क्लियर कट. तो धीरज से उसकी बाट जोहते हैं, माने धीरज से वेट करते हैं, यानी वेट करते हैं, इंतजार करते हैं. प्रेज गॉड. याकूब उसका 5:11 यहां पर क्या लिखता है पढ़ेंगे धीरज के विषय में. आइए हम लोग देखेंगे याकूब 5:11 क्या लिखता है. देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं. हाँ, प्रभु भी कहता है, लोग भी कहते हैं, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं. धीरज धरने वाले, धन्य मतलब आशीषित कहते हैं, वो लोग आशीषित लोग होंगे. धीरज व्यर्थ नहीं जाता प्यारे, धीरज एक बहुत बड़ा गुण है. प्रेज गॉड. हम लोग बोलते हैं कब होगा, कब ये आशीष मुझे मिलेगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा. ओके, इस सब बहुत सारे बातें रहते, पढ़ेंगे हम लोग. तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है. अब अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति, एक दिन के अंदर में उसके सब बच्चे मर गए, एक दिन के अंदर में उसके धन संपत्ति नष्ट हो गए, फिर तुरंत उसी के बाद में उसके शरीर में फोड़े हो गए और वो कंगाल हो गया, राख में बैठा हुआ था. और बहुत समय गुजर गया, प्रार्थना किया, कुछ टस से मस नहीं हो रहा था, लेकिन उसने धीरज धरा. तो उसका धीरज के विषय में गवाही दी जाती, या अय्यूब के धीरज के विषय में तो तूने सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जैसे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है उसके जीवन में. हाँ, उसके जीवन में परमेश्वर का अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है. प्रेज गॉड. जब हम लोग धीरज धरते हैं ना, तो अय्यूब के समान जैसे उस पर करुणा किया, दया किया, तो परमेश्वर दया और करुणा प्रकट करेगा, उसका प्रतिफल को हमको देगा. प्रेज गॉड. इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी नियम को बीज के समान आप बो देते हैं, लगा देते हैं, है ना, आप तुरंत उसका फसल काट देंगे, ऐसे मत सोचिए. आपको और हमको इंतजार करना पड़ेगा कुछ बातों के लिए. प्रेज गॉड. हम लोग याकूब का पुस्तक उसको 5:7 पढ़ेंगे, क्या लिखता है पढ़िए. इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो. हाँ, इवन प्रभु के आगमन की विषय बोलता है धीरज धरो. देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ. हाँ, किसान कैसे करता है, सबसे अच्छा अगर धीरज के विषय में सीखना है तो हमारे पास में जो किसान लोग होते हैं, ओके, बहुमूल्य फसल की आशा रखता है. प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है. प्रथम वर्षा और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है. ओके, वो बीज बुनता है और कैसे धीरज धरता है, प्रथम और अंतिम वर्षा तक. हम लोग प्रथम वर्षा जो हमारे जीवन में हो जाता है, ओके, देखिए प्रथम वर्षा के बाद में जब बीज लगाया जाएगा, अंकुर होंगे, लेकिन फसल नहीं आए, फिर बाले निकलेंगी, वो पूरा फसल नहीं है, फिर उसके बाद में उसमें दाने आएंगे, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं हुआ है, उसको हसिया लगा के नहीं काट सकते हैं. एक टाइम आएगा जब पक जाएगा, वहां तक इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, पेशेंस धरना पड़ेगा हम लोगों को. और कैसे इस धीरज को हम लोग धरते हैं, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 29:20 पढ़ेंगे. अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 सेवा की. एक नियम आपको बता रहा हूं यहाँ पर, एक दो व्यक्ति का बात है, लेकिन कैसे हुआ. अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 सेवा की. क्या होता है आप जानते हैं, याकूब वो चला जाता अपने मामा घर, और उसके दो बेटी हैं, एक तो राहेल और लिया. राहेल को उसने पसंद किया है और उसे प्रीति रखता है, ओके, और या उसका मामा से कहता है, जो कि होने वाला ससुर है, उसे कहता है कि मुझे इसको शादी में दे. तो कहता है 7 तू मेहनत कर, मेरे खेतों में कमा, ये तो भेड़ बकरी चरा, उसके बाद मैं तुझे देता हूं, ओके, उसके बाद दूंगा बोला. तो 7 उसने काम किए, उसके बाद वो मांगता है, हालांकि उसके बाद भी धोखा मिल जाता है उसको, लेकिन यहां पर कुछ सीखने वाली बात है, वो है अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 सेवा की, 7 सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण, राहेल को इतना प्यार करता था उसके कारण, थोड़े ही दिनों के वरन बराबर जान पड़े.
क्या बोलता है, थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। 7 साल उसको चंद लम्हे लगे। ये चंद लम्हे कैसे लगे, धीरज उसने कैसे धरा, बीच में कौन सा एलिमेंट काम कर रहा है, लव। जब प्रेम रहता है ना, ओके, तो उस समय में ना धीरज अच्छा पुख्ता काम करता है। प्रेज गॉड। तो अब हम किसके भी, ये तो याकूब तो राहेल से प्रेम किया, हम किसके ऊपर में किसको प्यार करें, हम परमेश्वर को प्रेम करें, उसके प्रेम में इतने लिप्त हो जाएं कि हमारा धीरज पुख्ता और मजबूत हो जाए। इसीलिए जगह में लिखा हुआ है, धीरज को पूरा काम करने दो। प्रेज गॉड। आई थिंक याकूब में लिखा है, अब पूरा धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम में कोई घटी ना हो। आमेन, हालेलुया। और ये धीरज जैसे आशा परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा आशा को बढ़ाते ले जाता है, उसी तरह से धीरज के विषय में भी बोला है, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे धीरज में बढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो धीरज देता है। प्रेज गॉड। पढ़ेंगे हम लोग रोमियो का पुस्तक उसका 15:5 को पढ़ेंगे, क्या लिखता है, धीरज और शांति का दाता। धीरज और शांति का दाता, शांति तो देता ही देता है परमेश्वर, हम जानते हैं शांति के परमेश्वर, प्रभु मुझे तुझ अपने शांति से भर। हाँ, परमेश्वर शांति के साथ में धीरज भी देता है। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, धीरज और शांति को क्यों लाया ऐसा मालूम, ओके, जब धीरज नहीं धरेंगे ना, मन अशांत हो जाएगा, अशांति आ जाएगा, ओके, तो धीरज को भी प्रभु देगा, शांति भी परमेश्वर देगा, बैलेंस करके रखेगा, ओके। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु में के अनुसार आपस में एक मन रहो। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो दृष्टांत जो हम लोग को दिया गया है, ये वाला दृष्टांत जिसमें मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, मरकुस 4:26-29। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, ओके, और वह बीज ऐसा उगे और बढ़े कि वह ना जाने, पता नहीं चलता कब निकले। वैसे ही पता नहीं चलेगा आपको, वो जो आपने जो नियम का पालन किया है उसमें आपने विश्वास को मिला है, धीरज को मिला है, आशा को मिला है, एनवायरमेंट दिया है, तो कब निकल के आ जाएगा, आप फसल को काटने पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें, अगर धीरज नहीं रहेगा तो क्या करेंगे मालूम, अगर कोई व्यक्ति बीज लगा दिया है और धीरज नहीं रखेगा ना, तो बीज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है बोलकर ना जमीन में जाके ना उसको खोद के देखने की कोशिश करेंगे, जहां आपने खोदा और उसको छेड़छाड़ किए करेंगे तो सही रूप से अंकुर नहीं आने पाएगा, और जिस प्रक्रिया में उसको बढ़ना चाहिए नहीं होगा। इसीलिए धीरज नहीं धरते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, परमेश्वर का काम जो उस नियम के द्वारा से कुछ चालू किया है उसको ना बिगाड़ देते हैं, हम लोग खराब करते हैं। कई बार क्या करते हैं, अंकुर तो लेने देते हैं लेकिन उसके बाद बाल नहीं आ रहे बोल के और छेड़छाड़ करते हैं उससे। कभी भी परमेश्वर जब कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें, उसमें कुछ ऐड कर देंगे या मदद करने की कोशिश करेंगे। मदद यानी मैं ये बोल दी, ये मदद नहीं है, विश्वास, ये एनवायरमेंट को बता रहा हूं मैं, और धीरज और आशा, ये वातावरण को आपको देना है। लेकिन आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा परमेश्वर को। जानते हैं अब्राहम और सारा के विषय में जो हम लोग सीखे, तो उनको सिखाया गया धीरज, आशा, विश्वास, इन प्रक्रिया में लेके गया था। एक ही दिन पुख्ता विश्वास नहीं हो गया इनका, ओके, एक प्रोसेस में गए थे। आपको मालूम है कि परमेश्वर इनको प्रतिज्ञा दिया था, लेकिन इसाक पैदा होने से पहले कुछ तो यहां पर गड़बड़ कर दिए दोनों ने, छेड़छाड़ कर दिए, अंकुर लगने नहीं दिए, कहां तब कुछ नहीं हो रहा है बोल के सारा ने एडवाइस किया कि उसकी जो नौकरी है हजीरा के द्वारा से संतान उत्पन्न कर दे, और हजीरा से द्वारा से संतान उत्पन्न हुआ और सब कुछ एक बार के लोच पोच और गड़बड़ हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर से परमेश्वर उनको ट्रैक में लाया, बातें की और उनका विश्वास, आशा, इन तमाम बातों को शेप दिया परमेश्वर ने, और अपने आप को सरेंडर किए लोग, और उसके बाद हम लोग देखने पाते हैं कि इसाक फलस्वरूप में आता है। प्रेज गॉड। उसी तरह से हम बताना चाहते हैं कि ये दृष्टांत जो है, ये एक विशेष करके धीरज के विषय में बोल रहा है, ये बहुत बड़ा तगड़ा चीज होता है। लेकिन एक बीज के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए, जैसे आबोहवा चाहिए, पानी चाहिए, सूरज का किरण चाहिए, उसी तरह से मेरे प्यार बने, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। जब कभी भी आप परमेश्वर के नियम को उठाते हैं तो उसमें आपको विश्वास को मिक्स करना पड़ेगा, आशा भरी दृष्टि से देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, दाने आएंगे और पक जाएंगे, तब जाके आपको रियल फसल आप काटने पाएंगे, लेने पाएंगे। इस दृष्टांत का एक डायमेंशन में इसका मीनिंग ये है,
लेकिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में भी इसके विषय में प्रिच किया जा सकता है, इसके विषय में भी संदर्भ है, लेकिन उसको मैं यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ। एक आयाम को आप लोगों के बीच बताएं, होप सो कि आप लोगों को इस वचन के द्वारा से आशीष मिला है। निश्चय ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप जब मनन करेंगे तो आप और अपग्रेड करने पाएंगे और आप निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे और आपका आशा तगड़ा और मजबूत रहेगा। हालेलुया, निराशा में भी आशा रखकर जो बात है वो आपके जीवन में भी होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। आपने प्रभु जी इस दृष्टांत के द्वारा से कुछ कुछ बारीक बारीक बातों को प्रभु जी प्रकाशित किया, प्रकट किया, बताया प्रभु परमेश्वर। हम प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड हमारे जीवन में जो जब कभी भी तेरे अधिनियम को, नियम को, आत्मिक नियम को, प्रिंसिपल्स को हम उस बीज को उठाते हैं प्रभु जी, हम ये वातावरण देने पाए, हमारे ओर से विश्वास को मिक्स करने पाए और प्रभु जी आशा के साथ में, धीरज के साथ में प्रभु परमेश्वर पिता हम कटनी को काटने पाएंगे प्रभु जी। ऐसे हर एक हमारे श्रोताओं को प्रभु जी आशीष कर, ग्रेस दे प्रभु परमेश्वर पिता, जिसको प्रभु जी धीरज नहीं है प्रभु जी आप धीरज प्रदान कर, जिसका आशा टूट गया है प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से प्रभु जी आशा दे प्रभु। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं प्रभु जी फेल्यूर से होकर गुजरे तो प्रभु जी लोग निराश हैं, लेकिन परमेश्वर पिता जहां पर प्रभु जी लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लॉर्ड गवर्नमेंट हम चाहते हैं प्रभु जी आप ग्रेस दीजिए, एक नया परमेश्वर पिता आयाम में प्रभु जी लेके जाइए प्रभु जी, ताकि वो लोग अच्छा फसल को काटने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, दो प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसे स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबों को, इसी तरह जुड़ते रहिए इस चैनल को। जो लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन के आशीषित होने पाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।